इल्तिलाना टीवी फार्मिंग चैनल देख रहे सभी किसान भाइयों को हमारी तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल नमस्कार। आज हम खड़े हैं छपार के मेले में, जो कि हर साल छपार गांव में लगता है लुधियाना ज़िले में पंजाब की धरती पर। आज हम आपको बीटल बकरियां दिखाने जा रहे हैं। बीटल बकरियां देखिए आप कैमरे के सामने, बहुत अच्छी लाजवाब क्वालिटी की। हम बात करें तो 40 इंच इंच की बकरियां हम आपको दिखाते हैं, पूछते हैं भाई साहब। भाई साहब क्या नाम है जी? मनप्रीत सिंह नाथ जी, पिंड गुजरवाल। केड़ा पिंड? गुजरवाल जी, गुजरां वालों गांव से आए हैं भाई साहब। बकरी कितने दांत होगी? ये होगी 6 दांत होगी। 6 दांत होगी, 6 दांत पर हो गई बकरी। हाइट क्या होगी? हाइट देख लो जी, हाइट देख के बताते हैं आपको। 40 के करीब इसकी हाइट है। इस बकरी के बारे में क्या कहना है? ये दो छोटे सूए की बकरी है जी। साइड पे हुई भाई साहब, ये हम बकरी आपको दिखाते हैं। 40 के करीब इसकी भी हाइट है। कितने बच्चे देती है? ये 2 बच्चे देती है। 2 बच्चे। दूध कितना होगा? दूध 4 किलो है जी। 4 किलो। बेचनी है? नहीं जी, बेचनी बेचनी नहीं है। ये बकरी आप देख सकते हो, बीटल में है सारी बकरियां। और भी बकरियां हम आपको दिखाते हैं, आप वीडियो में देखते रहिए। कैसी लगी है वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। सभी भाई साहब इसके बारे में पूछते हैं, कितने दांत होगी ये? ये होगी जी, ये भी 6 दांत ही होगी। 6 दांत पर होगी। हाँ ये देख सकते हो आप, बहुत अच्छी भी गाभिन है। हाँ जी, गाभिन है। कितने महीने की? ये 2 महीने की होगी। 2 महीने की गाभिन बकरी। ये आप लोहे कलर में आप देख सकते हो, बहुत ही लाजवाब क्वालिटी की बकरियां इन भाई साहब के पास से, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। वीडियो कैसी लगी मैं बार बार कहता हूँ कि कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जो भाई नए हैं। आगे के लिए हम आपको बहुत अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे। पूछते हैं, ये पाठ है? हाँ जी, ये 2 ही पाठा ने जी। क्या कितने कितने दांत हो गए? ये 2-2 दांत हो गए। 2-2 दांत हो गए। गबन हो गई? नहीं जी, हजे नहीं जी, गबन नहीं हुई अभी। सो हमने आपको बकरियाँ दिखाई हैं, कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद करते हैं हम भाई साहब का, ये सारी बकरियाँ इन भाई साहब की हैं। लो भाइयों, बहुत सारी बकरियां हम आपको यहां पर दिखाने जा रहे हैं, बहुत ही लाजवाब क्वालिटी की आप देख सकते हो। पूछते हैं भाइयों से, भाई साहब क्या नाम है जी? मेरा नाम लखवीर सिंह है जी। सब तो पहले तो सत श्री अकाल जी थोड़े इल्तिलाना चैनल दा, जो मैनू अपने छोटे वीर नू सेवा करने का मौका मिलया तुहाडे नाल गलबात करन दा। वीर जी मैं बहुत ज़्यादा दिल तो बड़ा फैन हाँ तुहाडा। ठीक है, शुक्रिया भाई साहब। हाँ जी, बकरी के बारे में क्या कहना है इसके बारे में? इसके कहने में ये पलून पट सूई हुई है जी। हाँ जी, ये पहले सूए सूई हुई है, ये थले 4.5 लीटर दूध है। देखिए भाई साहब, बहुत सारी बीटल बकरियां हम आपको यहाँ पर दिखाने जाए। सेल के लिए हैं कुछ? हाँ जी, सेल के लिए भी आ, हम शौक कराने के भी लिए आ। जो कोई सेल वाला आ जाएगा तो सेल भी कर देंगे। कितने रुपये मांग करोगे उसकी? इसका 50,000 रुपया मांग। निकाल के दिखाइए उसको आगे। ये देखिए भाई साहब, इसका 50,000 भाई साहब मांग रहे हैं। सो बकरियां काफ़ी अच्छी हैं भाई साहब के पास बीटल में, आप देख सकते हो, जहां पर देख सकते हो काफ़ी सारी। ये भी दिखाते हैं आपको, कितने दांत होगी ये? ये पूरे दंदी है जी, 3 सुआ बकरी है। दांत नहीं घसे? नहीं, दांत नहीं घसा। कितने बच्चे दे देती है? ये 3 बच्चे देती है। 3 बच्चे दे। हाँ जी। इसकी क्या मांग करते हो? इसकी मांग 50,000 ही। हाइट कितनी होगी? हाइट तो कभी नापी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं है। ओ, ब्लैक वाली देखिए भाई साहब, हम आपको बहुत सारी बकरियां दिखा रहे हैं। अभी बीटल ब्लैक में दिखाते हैं आपको, आगे ले जाओ। देखिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं यहाँ पर, पूछते हैं भाई साहब से, कितने दांत होगी जी? ये पूरे दंदी है जी। पूरे दांत है? हाँ जी, पूरे दांत पर है। ये देख सकते, हाइट क्या होगी भाई रे? हाइट होगी 38-39। 38 से 39 के करीब हाइट होगी। गाभिन है? हाँ जी, गाभिन। कितने महीने की? ये महीने की दिया गाभिन। महीने की गाभिन है। इसका क्या मूल करते हो? इसी का भी वही है मूल। ठीक है भाई साहब, बहुत सारी भाई साहब के पास बकरियाँ जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं यहाँ पर, आप देखते रहिए बस। पूछते हैं भाई साहब से, टॉप क्वालिटी की ओल्ड ब्लड लाइन, इसके बारे में क्या कहना भाई? ये 4 दांदा जी, पट्ठा है जी। हाइट क्या होगी? हाइट तो होगी 38 देने 39 जी। 39-39 के करीब होगी। हाँ जी। गाभिन है? नहीं जी, गाभिन नहीं है, खाली है।
किसका क्या मूल करते हो? इसका मूल 55,000 है। 55,000? हाँ जी। बिक जाती है इतने मूल में? हाँ जी बिक जाती है। तो क्या बात है, देख सकते हो आप, बहुत ही कम ऐसी बकरियां आपको बीटल देखने में मिलेंगी। सो शुक्रिया करते हैं भाई साहब का, इन्होंने हमें बहुत अच्छी लाजवाब क्वालिटी की जो बकरियां हैं हमें वो दिखाई। शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सोडा भी मैनु अपने छोटे वीर नु मौका देने का तहे दिलो धन्यवाद जी। सो लो भाइयों, बातचीत कर रहे हैं हम छपार के मेले से, आप बकरियां देख सकते हो, भाई साहब से बातचीत कर रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है जी? नाम जी मेरा अजय मोहम्मद। गांव कौन सा है? गांव नवांशहर जिले में शेखूपुर पिंड है। मेले में हर बार आते हो? हाँ, पिछली बार तो नहीं लगा था मेला इसलिए नहीं आए थे, और अभी आए हैं, लगा है। तो नवांशहर से हो? नवांशहर जिले से। नवांशहर? हाँ जी। ठीक है, नवांशहर जिले में बीटल बकरियाँ हैं? जी हैं हैं, बिल्कुल हैं। कितनी बकरियों पर काम कर रहे हो? इस वक्त तो 20-25 है बड़ी बकरी। ठीक है, हाँ आप ये बीटल बकरियां दिखाते हैं, क्या कहना है इस बकरी के बारे में? बकरियां दिखा रहे हैं भाइयों आपको, आप तस्वीरों में देखते रहना, सारी बकरियां आगे आ जाती हैं कि हमारी वीडियो बनाओ, हमारी वीडियो बनाओ। तो हमें कितने दांत है ये पूरी होगी दिखाइए, भाई साहब से पूछते हैं कितने दांत होगी? ये 6 दांत है। हाइट क्या होगी? हाइट भाई अभी कभी मिनी तो नहीं है, फिर भी 36 से 38 के बीच में। 36-37 के करीब होगी ना? जी, जी। अभी गबन है? नहीं नहीं, अभी भाई ऐसे ही है, अभी आसे हुई को 15-20 दिन हुए हैं। 15-20 दिन हुए? जी जी। क्रॉस होगी? क्रॉस हुई को 15-20 दिन। सेल है? किस सेल के लिए? सेल भी कर देंगे अगर कोई लेगा। कितने रुपये मांगते हो? रुपया इसका 40,000 मांग रहे हैं। 40,000 मांगते हो? जी जी। चलो अच्छी बात है, 40,000 मांग रहे हो। और भी बच्चे कैसे आते हैं? बच्चे बहुत अच्छे हैं, अभी एक बकरा पट था, पट मेरे पास में, बकरा सेल कर दिया था। बकरा सेल कर दिया था? ठीक है। बड़ी हाइट की बकरी है कोई ये वाली, इसके बारे में बताइए? ये बड़ी हाइट की बकरियां हम दिखाते हैं, बीटल में बकर रखते हैं। काम कब से कर रहे हो आप? मुझे पहले तो शुरू से ही है हमारा काम, पहले दादाजी करते थे, तो अभी फिर मुझे भी करते हुए 5-6 साल हो गए। 5-6 साल? हाँ। पढ़े कितने हो? नौकरी भी करता हूँ, पोस्ट ऑफिस में नौकरी करता हूँ। पोस्ट ऑफिस में नौकरी कर? जी जी। क्या बात है, पोस्ट ऑफिस में नौकरी कर, या इस काम को कब टाइम देते हो फिर? जैसे एक तो आदमी रखा हुआ है साथ में, वो भी चलाता है, और 2 बजे के बाद मैं भी आके साथ में चलता हूँ। नौकरी कब ज्वाइन की थी? नौकरी 14 में की थी ज्वाइन, 7 साल हो गए, 7-8 साल। उसके साथ अच्छा तरह से कर रहे? जी बढ़िया है, चल रहा है, अपना शौक भी पूरा कर रहे हैं, साथ साथ काम भी कर रहे हैं। जी बहुत अच्छी बात है भाई, ये देख सकते हो आप, भाई साहब पोस्ट ऑफिस में नौकरी भी करते हैं और बकरियों का काम भी कर सकते हो, आप साइड बिजनेस ये कर सकते हो, अगर आप कोई नौकरी भी करते हो तब भी काम कर सकते हो। बीटल बकरी दिखा रहे हैं हम आपको, पूछते हैं भाई साहब से क्या कहना है, भाई साहब क्या दांत, क्या हाइट? जी अभी पूरे दांत है और 38 इंच के करीब हाइट है, और दूसरे सूहे है। दूसरे सूहे? जी जी। बच्चे कैसे आते हैं? बच्चे इसके बहुत बढ़िया आते हैं। क्या होगा? दूध 3 से 4 के बीच करेगी। 3 से 4 के बीच लीटर दूध होगा। ये देखिए बूर कानों वाली बकरियाँ, ऐसी बहुत कम बकरी देखने को मिलती हैं। बहुत भाई साहब कहते हैं कि बूर कानों वाली दूध बहुत अच्छा देती होती है, क्या ये बात सही है? ये तो अभी किस्मत की बात है, जहाँ पशु की बढ़िया की बात है ना, कानों की तो कोई गलत नहीं है उसमें। बच्चे तो नहीं बूर कान आते? बच्चे भी आते हैं बूर कान में। बूर कान में आ जाते? जी जी आते हैं। ये देख सकते हो आप, बहुत अच्छी लाजवाब क्वालिटी की बीटल बकरी। और भाई साहब दूसरी बकरी दिखाई कोई, और पूछते हैं भाई साहब से इस डबी बीटल बकरी के बारे में, इसके बारे में क्या कहते हो भाई साहब? जे थोड़ी सब हाइट में छोटी रह गई थी, थोड़ी कच्ची सूखी थी, जैसे कह दिए साल की होके सूखी थी ना, उसके कारण हाइट थोड़ी छोटी रह गई थी। वैसे दूध में बहुत अच्छी है बकरी, और प्योर बीटल है। ठीक है, हाइट तो, हाइट तो अभी कम 32-33 होगी ना? जी जी, 34 के करीब होगी। वैसे 34 के होगी? जी जी 34 के करीब होगी। दूध ये भी 2-3 लीटर दे देती होगी? दूध इंशाल्लाह अगर जिसकी सेवा होगी तो 4 लीटर करेगी। 4 लीटर अगर पूरी सेवा होगी, फुल सेवा होगी तो 4 लीटर के करीब करेगी। अभी बाहरली चराई के 2.5-3 लीटर तो करेगी पक्का। क्या बात है, बहुत अच्छी लाजवाब क्वालिटी में हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी बकरी भी दिखाते हैं जो ब्राउन में है, पूछते हैं भाई साहब से इसके बारे में क्या कहते हो? जे वैसे तो हमने अभी नहीं खरीदी है, थोड़ा समय हुआ है, और अभी पूरे दांत में है। ये भी सेल के लिए? जे भी सेल कर देंगे अगर कोई लेना। क्या डिमांड करोगे इसकी? 35,000 डिमांड है। 35,000? ज़्यादा नहीं है? तो भी आपके सामने है, बकरी भी अच्छी है ना। चलो कोई बात नहीं, वो आपकी चीज़ है ना, कर लेंगे ना जो भी कर लेना चाहिए। ये बात तो है। आपका गांव कौन सा बताया था अपना?
गांव शेखूपुर है, शेखूपुर मकंदपुर है पास में, और कस्बा मकंदपुर पड़ता है, उसके पास गांव शेखूपुर है, नवाशहर जिला है। नवाशहर, नवाशहर से कितनी दूर होगा? नवाशहर से करीब 20 किलोमीटर, करीब 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर नए शहर के पास से पंजाब स्टेट में। सो भाई साहब, बातचीत करके बहुत अच्छा लगा आपसे। जी जी, थैंक यू भैया। आप वीडियो कैसी लगी किसान भाइयों, कमेंट करके ज़रूर बताना। नई नई वीडियो आपके लिए हम लेते के आते रहेंगे, आप प्यार देते रहना, मिलते रहेंगे।